मानव इतिहास के अब तक की सबसे बड़ी कोई विक्टिम रही है तो वो है एक स्त्री। जब से इंसानों ने समूह में रहना स्टार्ट किया है तब से लेके आज तक और इस वक्त भी कोई ना कोई स्त्री पीड़ित जरूर हुई है। फ्रेंड्स, तो आज हम ऐसे ही कुछ रीति रिवाजों के बारे में बात करेंगे जिसने भारतीय महिलाओं की जिंदगी को नरक से बदतर बना दिया था। तो बिल्कुल वीडियो के अंत तक बने रहिए। देवदासी यानी कि देव की दासी। फ्रेंड्स, इस प्रथा में छोटी छोटी लड़कियों का बहुत ही छोटी उम्र में देवताओं के साथ शादी करवा दी जाती थी और इसके बाद इस लड़कियों को अपना पूरा जीवन एक मंदिर के अंदर बिताना था। लड़कियों को मंदिर से बाहर जाने की इजाज़त नहीं थी और जब ये लड़कियां पुक्त हो जाती थी तब उसी लड़कियों का शारीरिक शोषण इस मंदिर के ब्राह्मण और शहर के धनाढ्य लोग करते थे। फिर श्याम सिंह अरोई मूवी में हमें इस प्रथा की एक छोटी सी झलक मिलती है। साई पल्लवी का रोल एक देवदासी का था। फ्रेंड्स, तो इस प्रकार ईश्वर के नाम पे मंदिर में देह व्यापार चलता था। सती प्रथा, पति के बिना पत्नी का कोई भविष्य नहीं है, ये आइडियोलॉजी थी कॉलोनियल इंडियंस। फ्रेंड्स, इंसानियत काब जाए ऐसी थी ये सती प्रथा। फ्रेंड्स, अगर किसी महिला के पति की डेथ हो जाए तो उस महिला को अपने पति की जिता पे जिंदा जला दिया जाता था इस प्रथा में। राजा राममोहन राय ने इस प्रथा का विरोध किया था और इसके बाद इस प्रथा का अंत हुआ था। टैक्स ऑन ब्रेस्ट। फ्रेंड्स, क्या आपने कभी सुना है कि किसी महिला को अपने स्तनों को ढकने के लिए टैक्स देना पड़ता हो? फ्रेंड्स, आज से 200 साल पहले केरल के एक प्रिंसली स्टेट में अगर निम्न जाति की महिलाओं को अपने ब्रेस्ट को कपड़े से कवर करना हो तो उसे टैक्स देना पड़ता था और अगर वो ना दे तो ज़बरदस्ती उसके स्तनों के ऊपर से कपड़ों को हटा लिया जाता था। फ्रेंड्स, इसी बीच नंगली नाम की एक महिला ने इसका विरोध किया और जब राजा का सेवक उसके पास टैक्स लेने आया तो उसने अपनी एक ब्रेस्ट को नुकीले हथियार से काट के उसके हाथों में दे दी। ज़्यादा खून बहने की वजह से नंगली की डेथ हो गई, पर उसकी डेथ के बाद इस प्रथा को बंद कर दिया गया। शिशुवध प्रथा। फ्रेंड्स, इस प्रथा में अगर किसी के घर पे बालक का जन्म हुआ है और अगर उसका जेंडर फीमेल है तो कुछ ही घंटों के बाद एक मिट्टी का बहुत बड़ा घड़ा लाया जाता था और उस पूरे घड़े को दूध से भर लिया जाता था और उस नवजात बच्ची को इस घड़े में डुबा के मार दिया जाता था। तो ये थी शिशुवध प्रथा। फ्रेंड्स, तो ये कुछ ऐसी प्रथाएं थी जो भारत के इतिहास पर कलम समान थी। इफ़ यू लाइक द वीडियो देन प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। जय हिंद।